तो अभी कर रही हूँ मैं मंदिर की सफाई। एक्चुअली नवरात्रों में ही जो है ना वो बुआ जी की डेथ होगी, तो उस वजह से फिर हमने कुछ भी नहीं किया था। तो देखिए ये सब उठाने वाला है अभी, थोड़ा थोड़ा मैं इनको साफ़ कर देती हूँ हल्का हल्का, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ अभी। कितने ड्रामे क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ मम्मा? यार मैं खा रही थी, पता नहीं क्यों इतने जोर की मैं सो नहीं दे रही मेरे को। तो सॉक्स खोल लेनी थी ना, तब हो रही है इसमें, हो रही है पूरी इसमें पैर में, इसमें जहाँ लगी है उसको निखारिश करना। निखारिश कर ही नहीं रहा मैं, इतने जोर हाँ। से हो रही है। कोई बात नहीं, ये तो पट्टी करी है ना। अच्छा वो मत करे, नहीं तो लग जाएगी, क्या फायदा। कहाँ पे, किस साइड हो रही है? पूरे पैर में। पैर में कि घुटने में? इसमें पूरे घुटने में साइड, पूरे जितने इधर घुटने की साइड। आज पट्टी नहीं करवाई, चेंज नहीं करवाई, कल करानी है। पेपर कैसा हुआ? अच्छा। अच्छा हुआ? क्या क्या आया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरफ ध्यान मत दे, इस तरफ ध्यान मत दो। अच्छा क्या क्या, मैथ का भी लिया आज पेपर है? क्या बोला मैडम ने, बोला कुछ है? अब कल किस चीज का है? कंप्यूटर। बस वही है ना, अब उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। अच्छा अच्छा, बच बस छेड़ मत, उसको छेड़ मत, ठीक हो जाएगी वो। पहले थोड़ी थोड़ी हुई, मैंने तूने वो जहाँ पे जख्म है वहां तो नहीं हो रही खारिश? नहीं, उसके आज जो नीचे और ऊपर साइड है वहाँ पे हो रही, बस जहाँ पे जख्म है वहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, मैंने पहले थोड़ी सी मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सोने लगा, फिर इतनी सारी होने लग। कोई नहीं, अब नहीं, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना ना, ध्यान नहीं देना है, चुप हो जा। अच्छा, सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और इतने दिन मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी शेयर करी थी कि हमारी जो है ना बुआ सास की डेथ हुई हुई है, तो इस वजह से नहीं किया था। और दिन चले गए थे उनके, तो जो मायके पक्ष का होता है वो हमारे घर पर हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने, अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइम पे कि हम ब्लॉग बनाएं और ब्लॉग अपलोड करें। और हैंसी को क्या हुआ कि जिस दिन लास्ट दिन था, उस दिन हमने कपड़ों की सफाई वगैरह करनी थी, सारे कपड़े वगैरह धोते हैं, तो बस वो धो रहे थे और थोड़ा बहुत पानी था गिरा हुआ, तो ये उसके ऊपर इसका पैर स्लिप हो गया और जो टीवी ट्रॉली होती है उसके कांच के साथ जाके बजा है, तो इसके घुटने में कट लग गया था काफ़ी गहरा। तो फिर उस पर टांके भी नहीं लगे क्योंकि वो हड्डी वाली जगह पे था, तो बस इसीलिए हम थोड़ा ब्लॉग भी नहीं दे पाए, थोड़े से परेशान भी रहे। और पिछले कल करवा चौथ था तो हमने वो सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि सिर्फ पूजा करनी थी, वो भी घर पे ही, ना मंदिर जाना था कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ पहले ही ये शेयर कर दिया था कि मैं जो पोस्ट है वो उस पर डाल दिया था कि करवा चौथ के बाद ही मेरे ब्लॉग आएंगे। तो आज भी ब्लॉग नहीं है, छोटा सा वीडियो ही है, तो कल से ब्लॉग जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और हेल्सी के एग्ज़ाम लगे हुए थे तो उसको बेचारे को ऐसे ही गाड़ी में लेके गए एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इसके ये अभी खड़ा इतना नहीं हो पाता है, होता है लेकिन इतना नहीं हो पाता, पूरा भार नहीं उस पर डलता है, तो इसी वजह से। और जख्म को अभी आपको पता है ठीक होते होते टाइम लगता है, तो ये अच्छा है कि अभी बरसातें नहीं है,
बरसातों में वैसे जख्म बहुत टाइम लगा देता है ठीक होते होते, और इसी वजह से। तो कल से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं आपसे अब एक नए ब्लॉग में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं अब आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।